किते पामदा तेरा अजीत तंका ते आहू लामदा किते जंजार तेरा सदके करन लई साध के आप कले पिछों आख दें शुकर करतार तेरा किते संगतां दे अंदर प्यास बे ते कन खोलदा धर्म प्रचार तेरा जो जो नेकियां हिंद ते कीतियां तू परलोतीक नहीं लेना उधार तेरा परलोतीक नहीं लेना उधार तेरा कोई कहे दशमेश नू तनख तारी दाता पापा कोई दतार आखे कोई बाज वाला कोई ताज वाला कलगी तारनू कोई शास वार आखे कोई सूरमा मल्लवरिया में आखे कोई जथेयां दा जथेदार आखे कोई गुरु आखे कोई पीर आखे कोई बली शहीद अवतार आखे कोई बली शहीद अवतार आखे ओ नीले दे छाया सवार पिता गुण गावा तेरे मैं बख्श दे ओ गुण गार हां कीते पाप कनेरे मैं बख्श दे ओ गुण गार हां कीते पाप कनेरे मैं ओ दे अमृत दी शक्ति गिदड़ों शेर बना देवे सवा लाख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे सवा लाख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे नीले दे छाय सवार पिता गुणे गावा तेरे मैं बख्श दे ओ गुण गार हां कीते पाप कनेरे मैं बख्श दे ओ गुण गार हां कीते पाप कनेरे मैं ओ दे अमृत दी शक्ति गिदड़ों शेर बना देवे सवा लाख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे सवा लाख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे ओ सोनी कलगी लिशका मारे शान नरालिए बाणे दे विच सजदी तेरी फौज अकालिए बाणे दे विच सजदी तेरी फौज अकाली है ओ चिड़िया कोलो मेरे दाता बाज तड़ा देवे
सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे। कबित सवैये रच के सोना जाप उचार दिता, सब धर्मा नू मेरे दाता तू सत्कार दिता, सब धर्मा नू मेरे दाता तू सत्कार दिता। ओ करे धर्म दी राखी डुबदा धर्म बचा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे। ओ कदर दान दी दुनिया विच कोई तेरा सानी ना, पिता वार के दिल्ली करदा कोई कुर्बानी ना, पिता वार के दिल्ली करदा कोई कुर्बानी ना। ओ कौम दी खातर लाल वार के बड़ी चढ़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे। डुबदा धर्म बचाया रोकी गल अखीरी जा, गले दुखी नू लाया पंडित आए कश्मीरी जा, गले दुखी नू लाया पंडित आए कश्मीरी जा। ओ बेड़ा पार लगावे डिगी कौम उठा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे। ओ सवा लख नाल एक लड़ाए विच मदाना दे, हौसले करे बुलंद सूर में मर्द जवाना दे, हौसले करे बुलंद सूर में मर्द जवाना दे। ओ खंडे पौलश का के सोना पंथ सजा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे। जुग पलटाऊ दाता तेरे गुणा नू गावा मैं, कौतक बड़े बेअंत दातिया लिखदा जावा मैं, कौतक बड़े बेअंत दातिया लिखदा ही जावा मैं। आओ आपे गुरु ते चेला मुखों वाक सुना देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे। ओ लाल धर्म तों वारे सारा बंस लटा दिता, जो करे जुल्म दा नास खालसा पंथ सजा दिता, जो करे जुल्म दा नास खालसा पंथ सजा दिता। आक विशर निरंजन कोलो सोने काव लखा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे, सवा लख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा देवे। कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसा राज यार गुरु गोबिंद सिंह। आओ अज दा प्रसंग जफरनामा जो कि तनम स्टूडियो दे विच बेस्ट रिकॉर्ड कंपनी वालों पेश किया जा रहा है। अज दे प्रसंग विच कवि निरंजन सिंह सरहाली
ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 49 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਜ਼ਫਰ ਮਹਿਉਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 23 ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਜੇਬਦ ਨਾਮ ਤੁਰਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾਂ ਨਾਇਦ ਫਰੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾਂ ਨਾਇਦ ਫਰੇਬ, ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੇਹੇ ਗਰ ਸ਼ਿਗਾਲ ਬਾਇਦ ਮਕਰੋ ਰਾਹ, ਹਮੀ ਕੁਸਤ ਦੋ ਬਚਾਏ ਸ਼ੇਰ ਰਾਹ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 23 ਸ਼ੇਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਏ ਕੱਲਾ 300 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਸਰਹੰਦ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੀ ਪੈਰੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਨਿਖੜੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਸੂਮ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤੇ ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਵਿਛੜੇ। ਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਹੈ ਮਨ ਪਾਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੇ ਦਾ ਦਿਆ, ਡੋਲੇ ਸਿਦਕੋ ਨਾ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਦਲਾਰੇ ਦਾ ਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਦਲਾਰੇ ਦਾ ਦਿਆ। ਓ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਨਿਖੜੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਸੂਮ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤੇ ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਨਿਖੜੇ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਨਿਖੜੇ। ਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਪਾਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੇ ਦਾ ਦਿਆ, ਡੋਲੇ ਸਿਦਕੋ ਨਾ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਦਲਾਰੇ ਦਾ ਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਦਲਾਰੇ ਦਾ ਦਿਆ। ਓ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੀਰ ਹੈ ਵਹਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੋ ਰੋ ਮਾਹੀ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਓ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਸਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਸਦਾ। ਓ ਗੰਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ,
कर पुठे कर दादिया डोले सिदको ना पा गए शहीदी तेरे दो दलारे दातिया तेरे दो दलारे दातिया आओ खेड़ी पिंड गंगू तनानू लजाके खेड़ी पिंड गंगू तनानू लजाके ते पुलस मगाई उसने बरिंडे जाके लाल फड़वाए नाले दादी मई उसने नाले दादी मई उसने ओ चारे आए सी फेरना नू पापी बन हथियारे दादिया डोले सिदको ना पा गए शहीदी तेरे दो दलारे दातिया तेरे दो दलारे दातिया आओ रहे लाला नू सी पापी तम कहों दे ते फतवा लवा के जालमा दोवें करते शहीद सच्चे साहबा नीहां च चुना के जालमा नीहां च चुना के जालमा लखां दिते सी पावे मुगलां डरावे धर्म ना हारे दातिया डोले सिदको ना पा गए शहीदी तेरे दो दलारे दातिया तेरे दो दलारे दातिया खान मलेरी ते एक भी चंडाला ना मनी दादी मां दी सी सिखिया वडेरी हार तेरे लाला ना मनी हार तेरे लाला ना मनी शाशल बाशल ने छुरियां चला के सीस सी उतारे दादिया डोले सिदको ना पा गए शहीदी तेरे दो दलारे दातिया तेरे दो दलारे दातिया आओ दादी मां ने सी शुकर मनाया ते पा गए शहीदी लाल सी नहीं धर्म तों डलाया चित छेरा ने दादी दा वड्डा कमाल सी ओ दादी दा वड्डा कमाल सी ओ टोडर मल ने धन दे के दाता जी तिन्ने संस्कार दातिया डोले सिदको ना पा गए शहीदी तेरे दो दलारे दातिया तेरे दो दलारे दातिया पोटा कट देन पावे ते धर्म नू ना वट्टा लावांगे असी पोतहां श्री दशमेश दे हस के शहीदी पावांगे ओ हस के शहीदी पावांगे ओ कविशर निरंजना सदा ही जग जाउंदे जाने सत्कार दातिया डोले सिदको ना पा गए शहीदी तेरे दो दलारे दातिया तेरे दो दलारे दातिया ज्यों ज्यों नूरा माही साखी सुनाउंदा गया महाराज छोटी कृपान दे नाल काही दे बूटे नू खोदे रहे उधरों नूरे माही ने सारी शहीदी की साखी सुना दिती उधरों काही का बूटा पट्टिया गया महाराज का महावाग सी मुगलां की जड़ पुट्टी गई है ये जालम सरकार है राय कला कहन लगा महाराज जड़ तो मेरी भी पट्टी गई गुरु साहब कहन लगे एक कृपान दिती महाराज ने तेरी वंश दे विच इहदा सत्कार हुंदा रहेगा तुहाडा कुछ विगड़ेगा नहीं जदों कोई हंकारी एदा नरादर कर बहेगा तो कुछ नहीं बचेगा महाराज ने फिर आख्या जे सरहंद दे विच साहबजादे शहीद होए
माता जी शहीद होए इत्थे शहीदां दे गुरद्वारे बनणगे। महाराज इस तों अगे राय कल्ले दे कोलों चल के महाराज दीना साहब पहुँचे जिथे बाबा राय जोत दी बंश दे विच्चों लखमीर शमीर ते तख्त मल रहिंदे सी। उन्हां हजूर दी बड़ी सेवा कीती, महाराज दा महावाग सी मेरे बच्चे बड़ी सेवा कीती है, तुरकां दे नाल साडी जंग है, तुहाडा नुकसान करनगे। उन्होंने बड़े जोश नाल आख्या, महाराज बाबा राय जोत जिन्हें श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे नाल बड़ी बहादुरी विखाई है, साडियां रगां विच बाबा राय जोत दा खून है, महाराज कदे पिछे नहीं हटांगे। गुरु साहब ने किवें कृपा की, दलेरी भरे शब्द उन्हां मलवई भरावां दे सुनो। इन्हां लाइनां दे राही उह बेनती की जाती है, क्या लखमी रसना के सतगुर नूं सीस नवा के सामने लड़ांगे जाके सिर तड़ दी बाजी ला के टोटे वेखेओ वैरी दे किवें कर दे शहीद होना तुसां दे लई सेवा दारहां मुढ़ों ही गुरु कर दे शहीद होना तुसां दे लई ओहो के सिख नहीं जे डर दे किस्मत है आपे कर दे जुल्म नहीं कदे भी यार दे मौत तराने पढ़ दे फतेह वै गुरु दी जो दे बुला के वाले ना विंगा होना तुसां दा वड्डो वैरियां नू मदाने जंग जाके वाल ना विंगा होना तुसां दा क्या लखमी रसना के सतगुर नू सीस नवा के सामने लड़ांगे जाके सिर तड़ दी बाजी लाके टोटे वेखेओ वैरी दे किवें कर दे शहीद होना तुसां दे लई सेवा दारहां मुढ़ों ही गुरु कर दे शहीद होना तुसां दे लई आहो के सिख नहीं जे डर दे किस्मत है आपे कर दे जुल्म नहीं कदे भी यार दे मौत तराने पढ़ दे फतेह वै गुरु दी जो दे बुला के वाल ना विंगा होना तुसां दा वड्डो वैरियां नू मदाने जंग जाके वाल ना विंगा होना तुसां दा चलावना पावें ओ रोब वखावना माया दे जाल वछावना खंडे वेखेओ दफाड़ चट कर दे शहीद होना तुसां दे लई सेवा दारहां मुढ़ों ही गुरु कर दे शहीद होना तुसां दे लई तुहाडे जय सिंह दलेरा चमकौर दी जंग पलेरा लड़ी है सिंगा शेरा वैरी नू पैंदियां केरा रीत जोधियां दी धर्म नभा के वाल ना विंगा होना तुसां दा वड्डो वैरियां नू मदाने जंग जाके वाल ना विंगा होना तुसां दा वांगर लड़िए दुश्मन दी हिकते चढ़िए मरन तो कदे ना डरिए जंग दे विच कदे ना हरिए साडे सामने मुगल नहीं खड़दे शहीद होना तुसां दे लई सेवा दारहां मुढ़ों ही गुरु कर दे शहीद होना तुसां दे लई ओ वैरी दी रोको हरकत बख्शू मैं सारी बरकत
तुरकां दी कड्डो तरकता एथे हो करन न सरकता कविशर निरंजना ते गनू उठा के वाल ना विंगा होना तुसां दा वड्डो वैरी नू मदाने जंग जाके वाल ना विंगा होना तुसां दा एथे ही बेअंत संगतां महाराज दे दर्शना वास्ते पहुंचियां इत्थे ही भाई रूप चंद जी दी वंश विचों परम सिंह धर्म सिंह हाजिर होए उन्हां एक चिट्टी पोशाक अते महाराज नूं एक घोड़ा भेटा कीता इत्थे ही भाई दयाल दास ने एक चिट्टी पोशाक महाराज नूं हाजिर कीती गुरु साहब ने वह पोशाक समीर नूं दे के आख्या जिन्ने इलाके विच घोड़ा फेर लवो तुहाडा राज होवेगा समीर साहब नूं मुड़िया बड़िया संगतां आईया श्री आनंदपुर साहब वांगू दवान सजन लगा शस्त्र लै के योधे पहुँचे हाजिर होए तो वजीद खान नूं हत्था पैरां दी पै गई उन्हें एक पत्रिका लिखी जिस विच धमकी लिखी हुई सी तुहाडे चबारे विच चमकौर दे बागी गुरु गोबिंद सिंह आए ने मैनू फड़ा दिओ नहीं तो वेलने विच पीड़ दिते जाऊंगे शरा दी छुरी बड़ी तिखी है तुसी जानते हो जेकर फड़ा देवो इनाम दिते जाणगे एक पासे धमकी है एक पासे वो लालच दे रहा पर महाराज दे सिख लालच विच नहीं आए उन्हें बैठ के सलाह की कि गुरु साहब दे वास्ते जे परिवार भी वारिया जाए बहुत चंगा वेला है उन्होंने बड़े जोश दे विच एक पत्रिका वजीद खान लिखी उहदे विच की लिखिया सी आओ सुनिए कि श्री जथा इउं बेनती कहिंदा है जी लेख हुकम वजीद खान कल्लिया गुरु बारे मैनू पता पूरा चल्लिया शाही दल नाल तिगां दे दबल्लिया लाहे जंग विच आहू उस दे जवाना ने वड्डे मुगलां ने सिंघां वा के कर पन्ना ने गल बात असी मगरों विचारीए असी धर्म तो जाना सदा वारीए तीरां नाल सीने वैरियां दे पाड़िए असी भला सरबत दा मुड्डो मंग दे तेरी लाश वेखी बिरश ते किवें टंग दे ओ ताडा गुरु चमकौर विचों नसिया ताडा गुरु चमकौर विचों नसिया तुसां पहलां क्यों नहीं मेरे ताईं दसिया ताडे कोल आके केड़ी गलों वसिया रण विच किते टोटे हुंदे बलवाना ने वड्डे मुगलां ने सिंघां वा के कर पन्ना ने ओ साडे विच खून श्री दशमेश दा असी पुट देना मुढ़ जो कलेश दा रहन देना नहीं राज जो मलेश दा ਐਵੇਂ ਜਿੰਦੋ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਭੰਗ ਦੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਬਿਰਛ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗ ਦੇ ਆਓ ਭੇਜ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਟਾਇਆ ਏ ਭੇਜ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਟਾਇਆ ਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਆਇਆ ਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਵੀ ਲਾਇਆ ਏ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸਾਂ ਵੱਡੇ ਤਨ ਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾ ਕੇ ਕਰ ਪੰਨਾ ਨੇ ਓ ਕੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਏ ਮੌਤ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇਗ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਦੀ ਖੂਨ ਲਾਲ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਬਿਰਛ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗ ਦੇ ਓ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਊਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਊਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈ ਦੱਬ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਝਟਕਾਇਆ ਉੱਚੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾ ਕੇ ਕਰ ਪੰਨਾ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨਿਰੰਜਨਾ ਕਦੇ ਨੀ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਖ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਖੰਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਬਰਛੇ ਨੇ ਝੱਟ ਡੰਗ ਦੇ
तेरी लाश वेखी मेरे छत किवें टंग दे। चिट्ठी लिखी शमीर ने डर ला के सारी, आउण तुहाडे कोल ज्यों पीर तुम्हारे, उवें साडे कोल ने सतगुरु हमारे, सेवा विच जे उन्हां दी लग जाइए सारे, तां वी असीं समझांगे तन भाग हमारे, वैर करे नरवैर नाल रब नरकी डारी। ओ सूबा वजीद खां, चमकौर साहब दी जंग विचों तू बच के निकल गया, जे इत्थों बच के चला गया सानू गुरु गोबिंद सिंह दे सिख ना आखी। वेखी तेरे टोटे किवें करदे आ, वजीद खां दे पैरां थल्लों मिट्टी निकल गई। वह सोचण लगा ऐसे गुरु नूं छेती गिरफ्तार करना चाहीदा है, पर कई महीनों तो फौज जंग करदी आ रही सी, इस करके फौज तैयार नहीं हुई। उन्हां सूबा वजीद खां नूं जिवें ठोक के जवाब दिता, इस कविता राही इउं बेनती है जी। जंग चलण दा नाहिया कर दे, रात नूं बड़ौंदे सिंघां कोलों डर दे। हुण गुरु वल किवें मुख करिए, मौत दा फार्म आपे किंज भरिए। जंग चलण दा नाहिया कर दे, रात नूं बड़ौंदे सिंघां कोलों डर दे। हुण गुरु वल किवें मुख करिए, मौत दा फार्म आपे किंज भरिए। मिटे नहीं ओ फट जंग चमकौर दे, भुले नहीं ओ वार जो सिंघां दे जोर दे। खून दिया नदियां कदे न तारिए, मौत दा फार्म आपे किंज भरिए। चाचे ताए मारे साडे विच जंग दे, तुर गए जहानो उन्हें पाड़े भंग दे। लाड़ लाड़ी मौत दा ए किंज पड़िए, मौत दा फार्म आपे किंज भरिए। सवा सवा लख वड्डिया जवाना ने, लोहे सने तन चीरे खंडे खाना ने। ओ अल्ले फट जखमां दे छेड़ डारिए, मौत दा फार्म आपे किंज भरिए। वड्डी जंग चमकौरों ना गुरु नू फड़िया, सवा सवा लख काठ वांगू कड़िया। मौत दे तुराने ना कदे वी पड़िए, मौत दा फार्म आपे किंज भरिए। बई सुपने दे विच सानू डर लगी दा, इंज जापे छीर छड़ जाना जगदा। कविशर सारे हाली मौत किंज वारिए, मौत दा फार्म आपे किंज भरिए। लखमीर शमीर दा दलेरी भरिया उत्तर सुन के महाराज बड़े प्रसन्न होए। गुरु साहब कहन लगे, सिखो की चाहुंदे हो? उन्हां बेनती कीती, सच्चे पातशाह अगे कड़ा थोड़ छड्डीए, महाराज जे साडे उत्ते तुठे हो मुक्ति बख्शो। महाराज बड़े खुश होए, दो महीने महाराज लखमीर शमीर दे कोल रहे। इत्थे ही महाराज ने औरंगजेब नूं खरियां खरियां सुनाइयां, क्यों कर हम हील ते दर्ग जस्त, हलाल बस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। जदों सारे वसीले मुक जान तां तलवार चुक लैणा इंसान दा फर्ज है, तू इत्थे आ के बहुत जुल्म कीता है। महाराज ने जफरनामा, जिस नूं फतेह दी चिट्ठी जां विजय पत्र भी आख्या जांदा है, महाराज ने औरंगजेब नूं लिखिया, चुना आतिश जेर ना अलत दहम, जे पंजाब आबत ना खुरदन देहम। जे तू पंजाब की धरती ते आ गया, मैं तेनू पानी की घुट भी नहीं भरन देंगा, क्योंकि तेरा राज कमजोर हो गया। इस करके
ਉਹ 40 ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 200-400 ਘੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਖਾ ਛੱਡੇ, ਕਦੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਈਮਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਉਜਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ 'ਚ ਕੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੇਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸਤੇ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ, ਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਛਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਖੋਟੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਲਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਲਮਾਂ ਚਾਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਲਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਲਮਾਂ ਚਾਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਵੇਖੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕੀ ਥਾਂ ਕੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦਛਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਖੋਟੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਲਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਲਮਾਂ ਚਾਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਲਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਲਮਾਂ ਚਾਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਵੇਖੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕੀ ਥਾਂ ਕੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਓ ਭੁੱਲ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘੇਰਾ, ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੀਨ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰਾ, ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੀਨ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰਾ। ਓ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਓ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸਾਕਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਰਾਖਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਰਾਖਾ। ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਓ 40 ਸਿੰਘ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜਿਆ, ਵੈਰੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜਿਆ, ਚਮਕ ਔਰਤ ਰਣ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਚਮਕ ਔਰਤ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਆਖਰ ਪੁਛਤਾਉਣਾ ਪਊ ਗੁਵਾਚਾ ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਓ ਜੇ ਮਰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨੇ ਲੜਦਾ, ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨੇ ਲੜਦਾ, ਤੇਰੀ ਵੇਂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਵੇਂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਜਗ ਤੋਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੰਥ ਹੈ ਮਟਾਉਂਦਾ, ਜਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੰਡਲਿਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ,
जल जुलम दी पुटन लई कुंडलिया नाग खालसा जौंदा। ओ तेरे तों चंगा सी मारिया खान मलेरी नारा, मारिया खान मलेरी नारा। मैं धर्म बचाउण लई सी सरबंस वार ता सारा, मैं धर्म बचाउण लई सी सरबंस वार ता सारा। परजानू तंग करे बहुता चिर नहीं जगते जौंदा, जड़ जुलम दी पुटन लई कुंडलिया नाग खालसा जौंदा। जड़ जुलम दी पुटन लई कुंडलिया नाग खालसा जौंदा। लया नाल सूर में तू गोबिंद सिंह आऊरण विच कला, वेखी जोर तेग दे तू तैनू किवें बचाउंदा अल्ला। वेखी जोर तेग दे तू तैनू किवें बचाउंदा अल्ला। कदे जित्या जंग विच नहीं जो ख्याली खीर पकाउंदा, जड़ जुलम दी पुटन लई कुंडलिया नाग खालसा जौंदा। जड़ जुलम दी पुटन लई कुंडलिया नाग खालसा जौंदा। आओ इस पंथ खालसे दी दिनों दिन छाण है वधदी जानी, दिनों दिन छाण है वधदी जानी। शक पौल खंडे दी जो मुखों गावेगा गुरबाणी, शक पौल खंडे दी जो मुखों गावेगा गुरबाणी। ओ कविशर सरहाली दिया खालसा भला सरबत दा चाहुंदा, जड़ जुलम दी पुटन लई कुंडलिया नाग खालसा जौंदा। जड़ जुलम दी पुटन लई कुंडलिया नाग खालसा जौंदा। औरंगजेब ने अपने पुत्र नू अंत समय चिट्ठी लिखी, पिछली उम्रे बढ़ेपे की कमजोरी ने मैनू ढालिया है, मेरे अंग ते नैन शक्तिहीन हो गए हैं, मैं कल्ला आया सी ते कल्ला जा रहा हाँ। मैं अपने राज विच बड़ा जुल्म कीता, चंगी हुकूमत नहीं कर सकिया, लोकां दा प्यार नहीं जित सकिया। मैं दुनिया विच खाली हथ आया सी ते पर जांदी वार खाली जा रहा हाँ, इस करके मैं अपने आप दे सिर उत्ते पापां दा भार चुक के लै जा रहा हाँ। मेरा एक गनाह दी सज़ा मैनू मिलनी चाहीदी है, जो सज़ा मिलेगी हमीद और दीन अपनी पुस्तक दे पन्ना 183 उत्ते हवाला दे के लिखदा है कि औरंगजेब दे सराहणे थल्लों एक चिट्ठी मिली जिस दे विच लिखिया होया सी उन्हां कागजां उत्ते कि इहदे विच शक नहीं मैं बादशाह रहा हाँ, पर अफसोस है कोई भला काम नहीं कीता, मेरी आत्मा मैनू फटकार के कह रही है मैं गुनाहगार हाँ। मेरी कबर दे नेड़े तेड़े कोई दरख्त ना लाउणा, मेरे जैसे पापी नू कोई हक नहीं कि वह छां दा हकदार होवे ते दरख्त दी ठंडी छां माणे। इस करके मैं बादशाह हाँ, पर कोई दुनिया दा बंदा बादशाह ना बने, क्योंकि बादशाह दुनिया का सब तो बदबख्त बंदा हुंदा। इस करके मैं ये चाहुंदा हाँ कि अपने पापा का जिक्र जो मैं कीते पाप उहदा कोई जिक्र ना करे ते कोई भी गल दसी ना जावे, क्योंकि मैं काम ही चंगा नहीं कीता। अंत वेले जिवें औरंगजेब पछताया, इन्हां लाइनां राही सुनिए जी, इहों बेनती है। लिखिया जफरनामे विच सचो सच जो सतगुर ने, लिखिया जफरनामे विच सचो सच जो सतगुर ने। औरंगजेब ने पढ़िया फिर बड़ा घबराया, औरंगजेब ने पढ़िया फिर बड़ा घबराया। जफरनामे विच सचो सच जो सतगुर ने, लिखिया जफरनामे विच सचो सच जो सतगुर ने। औरंगजेब ने पढ़िया फिर बड़ा घबराया, औरंग
औरंगजेब ने पढ़िया फिर बड़ा घबराया। चारे लाल गुणा दे नाल सी दादी माता जी, चारे लाल गुरां दे नाल सी दादी माता जी। ओ होया जुलम है मेथों मैं डाडा कर पाया, होया जुलम है मेथों मैं डाडा कर कमाया। ओ भुल गया नबी दा लिखिया जोसी विच करान दे, भुल गया नबी दा लिखिया जोसी विच करान दे। ओ अल्लाह कदे ना बख्शू मैं ना रहम कमाया, अल्लाह कदे ना बख्शू मैं ना रहम कमाया। ओ तौबा करदा हां मैं हल्ला कराना सतगुर ते, तौबा करदा हां मैं हल्ला कराना सतगुर ते। ओ खटिया की जहानो मन बदनीत बनाया, खटिया की जहानो मन बदनीत बनाया। ओ मेरे मरे पै तो कबरे उते रुख लायो ना, मेरे मरे पै तो कबरे उते रुख लायो ना। औरंगजेब सी ओदो फिर डाडा पछताया, औरंगजेब सी ओदो फिर डाडा पछताया। कविशर नरंजना लिख के हुक्म भेजिया फिर उसने, कविशर नरंजना लिख के हुक्म भेजिया फिर उसने। ओ गुरु नरवैर दताई जावे ना अटकाया, गुरु नरवैर दताई जावे ना अटकाया। प्यारे दया सिंह धर्म सिंह दे हाथ सतगुरु जी ने जफरनामा औरंगजेब नू कल्लिया। पता लगा औरंगजेब औरंगाबाद है। इत्थे भाई जेठा सिंह ने दोहा सिंघां दी बड़ी सेवा कीती। इस तो अगे अहमदनगर औरंगजेब चले गया, बड़ी मुश्किल नाल सिंह उत्थे पहुँचे, जफरनामा दिता। औरंगजेब ने जफरनामा पढ़िया दिल पसीज गया, उन्हें हुक्म लिख दिता सारे सूबेदारां नू गुरु साहब सच्चे हन, उन्हां उत्ते कोई हमला ना कीता जावे। यह है नीति निपुण सतगुरु महाराज का महान इतिहास। इनियां बेनतियां प्रवान करो। अंतले शब्दों में तनम स्टूडियो का धन्यवाद करता हाँ, बड़ी वधिया रिकॉर्डिंग करते ने भाई जसप्रीत सिंह, बेस्ट रिकॉर्ड वाले बहुत चंगे ने, वेखन बड़े प्यारे लगते हैं, उतरा बड़े चंगे विचार है। आओ गुरु फतेह बुलाउंदा हाँ कवि निरंजन सिंह सरियाली के किसी जथे नूं, बड़ा गज के आप फतेह बुलाउणी है। जिन्ना जोश आउंदा ना फतेह नाल उन्ना सारे काम ही फतेह हो जाते हैं। आओ गुरु फतेह बुलाइए, सारिया संगतां गज के बोलीए जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।